हाय फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के सेकंड एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर का दर्द एक ऐसी दिक्कत हो गई है आजकल जो लगभग हर घर में देखी जा रही है, या यूं कहें कि लगभग 10 में से 8 लोगों को हो रही है। पहले के समय में ये दिक्कत 50+ 60+ वालों में होती थी, लेकिन आजकल ये दिक्कत यंगस्टर में और ऑनलाइन क्लास कल्चर की वजह से, मोबाइल की वजह से ये दिक्कत बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो हम बैक पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं? ज़्यादातर लोगों को जब तक कमर का दर्द होता रहता है वो एक्सरसाइज को करते रहते हैं, लेकिन जब दर्द ठीक हो जाता है तो वो एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं, जिससे दर्द दोबारा लौट आता है। अगर पेन बार बार रिपीट कर रहा है तो इससे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क भी हो सकता है। तो हमको इसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो इफेक्टिव भी हो और कम समय में भी हो जाए, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर जीशान अली, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक, राजेंद्र नगर, लखनऊ। तो आइए चलते हैं, हम इसके कारण के बारे में बताते हैं कि कमर का दर्द किन किन वजहों से होता है। तो कमर का दर्द का सबसे मेन कारण होता है पोस्चर, गलत तरीके से उठना बैठना, या जो लोग बहुत देर देर तक एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, एक सिटिंग में बैठे रहते हैं, या जिन लोगों का काम खड़े होकर आगे झुक के होता है, उन लोगों को कमर का दर्द होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनका पेट बाहर की तरफ निकला होता है, तो जो हमारा लंबर कर्वेचर होता है वो एक्सटेंशन में होता है, पेट आगे निकलने की वजह से वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है, इसकी वजह से भी बैक पेन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। या कोई इंजरी हो गई हो, जैसे हम कमर के बल गिर जाएं, या बाइक से या कार से हम चल रहे हैं, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाए या कोई गड्ढा आ जाए, गाड़ी जम कर जाए और हमारी कमर में जर्क लग जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है, या फ्रैक्चर की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से भी बैक पेन हो सकता है, या हम कोई भारी सामान उठा लें इसकी वजह से भी बैक पेन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। ये एक्सरसाइज को आप नॉर्मली बैक पेन वाले भी कर सकते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वाले भी कर सकते हैं, या जो लोग स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क से ठीक हो चुके हैं वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज करने से सबसे पहले आप, अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो आप पहले हीटिंग पैड से या हॉट वाटर पैक से पहले सिकाई कर लीजिएगा, इससे जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो सबसे पहली जो हमको एक्सरसाइज करनी है वो एंकल पंप। इसमें आप अपने पंजे को अपनी तरफ ऐसे खींचिएगा और 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस ऐसे छोड़ दीजिएगा। इसमें सब ध्यान ये रखिएगा कि आपका घुटना ऐसे फोल्ड नहीं होना चाहिए, घुटना बिल्कुल आपका सीधा रहे, बेड के लेवल में रहे, और ऐसे खींचेगा 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका वार्म अप भी हो जाएगा। बैक पेन की वजह से हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है वो भी टाइट होने लगती है, तो इसको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आप दोनों पैर को ऐसे मोड़ लीजिएगा और फिर दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस करके और घुटने को ऊपर ऐसे रख लीजिएगा, और फिर धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करिएगा। इसमें एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को घुटने में दर्द है या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या घुटने में और भी कोई दिक्कत है, उनको ऐसे पकड़ना है, ऐसे नीचे धीरे धीरे लाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर नीचे ऐसे छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही आपको दूसरे पैर में भी करना है, तो आप देखेंगे कि ये आपकी जो मसल्स है वो पूरी स्ट्रेच होगी। जब स्ट्रेच होगी तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। फिर इसके बाद जब आपकी हैबिट बन जाए तो आप एक पैर ऐसे सीधा करके फिर स्ट्रेच ऐसे करिएगा, तो और ज़्यादा आपको स्ट्रेच फील होगा और आपको और ज़्यादा आराम मिलेगा। ऐसे ही आप दूसरे पैर के भी ऐसे करिएगा। तीसरी एक्सरसाइज है साइड रोटेशन। इसमें आप अपने हाथ को ऐसे चेस्ट पर रख लीजिएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे दाहिनी तरफ लाने की कोशिश करिएगा और बाईं तरफ ऐसे करिएगा। इससे जो मांसपेशियां, जो बैक की मांसपेशियां होती हैं वो खींचेंगी, इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो करना है उसमें आपको हाथ ऐसे रख लेना है, फिर कमर को ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करिएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस नीचे रख दीजिएगा।
फिर उठाइएगा ऊपर, फिर 1 to 10 तक काउंट करिएगा, फिर वापस नीचे रख दीजिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो बैक की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होंगी, क्योंकि जब मसल्स वीक हो जाती हैं इसकी वजह से बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आपको कमर का दर्द हो तो आपको कुछ प्रिकॉशन भी लेने होते हैं, खास तौर से जब आप लेटते हैं सोते वक्त या लेट के उठते वक्त, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही प्रिकॉशन अगर आप लेते हैं तो कमर दर्द से आप बहुत हद तक बच सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसमें आपको पेट के बल ऐसे लेट जाना है और आपकी नाभि बिल्कुल बेड से टच होनी चाहिए। तो आप हाथ को ऐसे बेड पे रख लीजिएगा और ऊपर ऐसे चेस्ट को ऊपर लाना है ऐसे, फिर 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर नीचे ऐसे हो जाइएगा, फिर ऐसे ऊपर उठिएगा और 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर नीचे वापस ऐसे हो जाइएगा। इस एक्सरसाइज को करने से जो लोग बहुत देर तक एक सिटिंग में बैठे रहते हैं, एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, उनकी जो बैक की मांसपेशियां होती हैं वो वीक हो जाती हैं, इस एक्सरसाइज को करने से वो स्ट्रांग हो जाएंगी, जिससे बैक पेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये थी कुछ बेसिक लेवल की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करिए और दिन में आप 2 बार कर सकते हैं। जैसे जैसे हैबिट आपकी बनती जाएगी आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कमर की बेल्ट कैसे लगाई जाती है। कमर की बेल्ट लोग गलत तरीके से लगाते हैं या बहुत से लोग एब्डोमिन बेल्ट लगा लेते हैं और मैग्नेट बेल्ट लगा लेते हैं, जिससे उनको कमर में आराम नहीं मिलता। तो कमर की बेल्ट कैसे लगाई जाती है और किस कंडीशन में कौन सी बेल्ट लगाई जाएगी, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको वीडियो मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।